अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फहीम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं 7-8 महीने के बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था। तो आज हम जा रहे हैं घूमने, और अगर आप अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि 7-8 महीने गायब होने के बाद भी आप अभी तक इस चैनल पर हैं। तो हम जा रहे हैं घूमने, तो ये सब कजन्स आ गए हैं। आसिफ कहाँ हैं? फरहान गाड़ी आ गई, सारा सामान गाड़ी में रख दिया है, ये रहा इसमें डिक्की में, और ये भी है। अब हम चढ़ते हैं और निकलते हैं क्योंकि तो जी हम जा रहे हैं किधर है, जो कि रिफ्यावा की तरफ से एक खूबसूरत सी जगह है। और लेकिन अभी हम पता नहीं यहाँ पे पहुंचे, यहाँ के पता नहीं किस तरफ जाना, इस तरफ या इस तरफ। तो हम इधर कुछ देखते हैं, बोर्ड पे लिखा होगा। और ये रही हमारी गाड़ी, हमने जो जितनी भी सारी चीज़ें थी ज़रूरत की वो हमने ले ली है। अभी पता नहीं हमें किस तरफ से जाना है, समझ नहीं आ रहा। और देखो ये कितनी खूबसूरत सी जगह है यहाँ पे, इस जगह का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तो हम आगे बढ़ रहे हैं। किस तरफ जाना है अब? इस तरफ। तो चलो चलते हैं, फिर जल्दी पहुँचते हैं। चलो भाई, तो जी पहुँच गए हम, क्या नाम है जगह का? मोंडेज। तो पहुंच चुके हैं हम मोंडज, और हमें जाना है नीचे। अब यहाँ से हमने जो भी सामान है वो लेते हैं। और ये हमें खूबसूरत से बच्चे मिले यहाँ पे, शाबाश शाबाश शाबाश, इतनी मेहनत किया करो। इसमें क्या है? हाँ कोई, इसमें कोयला है। और ये फराना करते हैं बंद, निकालते सारा सामान। फरहान काम करो बेटा, रुको रुको, इसमें चलते हैं हम। आप नीचे उस तरफ जाना है, ओ फरहान 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 फरहान, नाम क्या है तुम लोगों का? तुम्हारा नाम क्या है? फलक। और आपका? हीना। हीना और आपका? नाम। आ, नाम बड़े अच्छे प्यारे नाम है। फराना पहुंच गए हम मोंडज, उससे हम आगे आए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी भी नज़दीक था और वहाँ पे हमने ये लगा लिए हैं। अभी हम वहाँ पे बनाएंगे, तो तब तक हमें इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और घूमेंगे, और हमें नहाना भी है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर आप व्लॉग में अभी भी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिख देना। और तो आसिफ और आमिर भाई अभी तक नहीं आए, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। कि कितनी खूबसूरत सी जगह है यहाँ पर, और दोस्तों के साथ तो जहाँ भी जाओ वहाँ पर मज़ा ही आता है, तो दोस्तों के साथ इन्जॉय करना चाहिए। फरहान क्या तो सिर्फ खून से मोगलो बिगे करो ना, ये ना हो तुझ खे सारे। तो जिस तरफ से हमारा चिकन लग चुका है, और अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये हमने मैरिनेशन के लिए पहले ही रख दिया था। अब इसको फरहान अपनी मेहनत से तैयार कर रहे हैं, तब तक हम नहा के आएंगे यहाँ से। तो जी फाइनली हमारे जो दो कज़न हैं वो अब आए हैं, पूरा एक घंटा लेट। हम इनका पिछले एक घंटे से वेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बस पहुँच गए, लेकिन ऐसे करते करते ये हम चार बजे यहाँ पहुँचे, और अभी 5:30 बज चुके हैं, और ये अब पहुँचे। कैज़िन भाई, हम लेट क्यों नहीं आते? हम स्कूटी पे थे। तो सब आ चुके हैं और माहौल भी बन चुका है अब काफी ज्यादा, और देखिए ये क्या खुशबू आ रही है। और देखो आधा तैयार हो चुका है, आसिफ ये चोरी नहीं करना, पाप लगेगा। और फरहान यहाँ से चटनी बना रहे हैं। फरहान कौन सी चटनी बनाई है? कानों का चटनी आइस इन तो सोरे मतलब। ये तो बाइक पे आए और हम गाड़ी में। आसिफ क्या कर रहे हो? और इसको सब तो जानते ही है, ये आसिफ, ये भी बहुत टाइम के बाद दिखा होगा आपको। हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे साइड में रख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में सबको मिले। फरहान काम कर रहा है, बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे लिए, फरहान काम कर रहा है। पत्थर पत्थर
चिकन बनाया था वो खा लिया, काफी मजा था उसमें। तो अब हम बर्तन धो रहे हैं आसिफ और फरहान, और अभी शाम का वक्त है, आप देख सकते हैं सनसेट हो रहा है और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है अभी। तो अभी हम यहाँ से हाथ मुंह धोएंगे और फिर थोड़ी देर बैठेंगे हम, और ब्लॉग को शेयर करना और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना। देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, और पानी का शोर अलग ही मजे है यहाँ के। अगर आपको भी आना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको लोकेशन बता दूंगा कि ये जगह किस तरफ है। शाबाश शाबाश। इस जगह को हम अलविदा, अब यहाँ से जाते हैं और निकलते हैं अब घर की तरफ, और रास्ते में एक और जगह है वहाँ पे हम बैठेंगे नहीं ज़्यादा देर, बस देखिए वहाँ से निकल जाएंगे। और अभी हम सब सामान हमने गाड़ी में रखना है, तो चाबी ये रही चाबी, तो चलते हैं ऊपर, ये सारा सामान गाड़ी में रखते हैं और फिर वहाँ से हम दूसरी जगह जाएंगे। वहाँ पे बस 5-6 मिनट देखेंगे और बैठेंगे, उसके बाद सीधा घर। जी सर, दिल बोल शुक्रिया, बड़े खुश भाई गाड़ी सामान भाई। तो यहाँ से भी खूबसूरत जगह देखो, हाँ वहाँ नीचे थे, मंडेज में रुको, किधर थे देखिए कितना खूबसूरत गांव है और पुराने टाइप के घर हैं, देखिए कितनी खूबसूरत जगह। तो जी हमने ये गाड़ी अपने यहाँ साइड रख दी है, क्योंकि ये है इसके पहले ये जगह आती है, क्योंकि सब लोग इधर ही आते हैं, जितने भी कोई स्कूल से कोई भी पिकनिक आ रहा है तो इधर ही आते हैं। हम इसके ऊपर गए थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह थी और वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे। देखिए यहाँ से कितना एक खूबसूरत सा और एक ग्राउंड भी है, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे अभी खेल रहे थे, और ये वहाँ का रेस्टोरेंट है। लेकिन कूड़ा यहाँ पे बहुत है, अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ये कूड़ा करकट ना फैलाएं, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। और जब मैंने इन सब से पूछा इतना कूड़ा कि कहाँ लोग आते हैं और फिर सफाई तो करते नहीं। तो अब हम थोड़ा इधर घूमेंगे, 5-6 मिनट बैठेंगे और उसके बाद हम सीधा जाएंगे घर। और आप बताना है ब्लॉग आपको कैसा लगा, तो यहाँ पे हम अपनी पिक्स लेंगे, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।